हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? तो उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। टुडे इज 14th of June 2022 और डे है मंडे, ट्यूसडे। तो चलिए कुछ क्वेश्चन लेते हैं रीजनिंग के। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा जो वो इनका लेवल है, काफ़ी इजी लेवल है। मतलब ज़्यादा कोई टफ लेवल के क्वेश्चन नहीं है, पर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है सभी। और ये जो वो हिमाचल प्रदेश का जो सेक्रेटरीट जो क्लर्क का एग्ज़ाम होता है, उसमें जो पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, क्योंकि हम डिस्कस करते हैं। तो आज हम बहुत सारे जो वो रीजनिंग के क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट टाइम जो वो सुबह वाले पार्ट में हमने जो वो एक क्वेश्चन छोड़ दिया था, जो कि मुझे ऐसे ही लर्न हो गया है कि जैसे एक एथलीट था, वो जो वो 200 मीटर दौड़ता है, ठीक है, और कितने सेकेंड में, 24 सेकेंड में, ठीक है, कुछ ऐसा था। चलिए उसको देख लेते हैं कि क्या क्वेश्चन था। यस, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे जो वो क्वेश्चन है कि एक एथलीट है, 200 मीटर दौड़ता है 24 सेकंड में, तो उसकी स्पीड पूछिए, स्पीड कितनी है। तो स्पीड भी इसने देखिए यहाँ पे, तो अगर मीटर पर सेकंड में बोलें तो 200 अपॉन 24 हो जाएगा, ठीक है, मतलब कि 24 सेकंड में 200 मीटर पर सेकंड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो वो स्पीड पूछिए, लेकिन किलोमीटर पर आवर में पूछिए, तो किलोमीटर पर आवर में इसको चेंज करने के लिए पहले तो डिस्टेंस 200 है, ठीक है, और इसकी जो टाइम है, डिस्टेंस अपॉन टाइम जो वो स्पीड हो जाता है, तो 200 अपॉन 24 ये जो वो इसकी स्पीड निकली, ठीक है, लेकिन मीटर पर सेकंड में निकली है, ठीक है। इसको काट करके जो आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पूछा है कि इसकी जो स्पीड है वो जो वो आपने पता नहीं किलोमीटर पर आवर में, ठीक है, उस दिन जो वो जल्दबाजी में जो वो पता नहीं कैसे काट दिए, जल्दबाजी में जो आंसर नहीं आ रहा था, इसलिए जो वो आपको भी जो वो कोई भी क्वेश्चन देखिए जल्दबाजी में नहीं करना है, जल्दबाजी में करेंगे तो जो वो क्वेश्चन गलत होगा, ठीक है। इसलिए पेशेंस रखें, क्वेश्चन को जो वो अच्छे से सॉल्व करें, तभी जो वो आप अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या करना था आपने, जब भी आपने किलोमीटर पर आवर में चेंज करना होता है या मीटर पर सेकंड में चेंज करना होता है, देखिए, तो पहले तो किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर जो वो एक बड़ा यूनिट है मीटर से, तो आपने जो वो बड़ा नंबर ऊपर रखना है, करना आपने 18/5 से, ठीक है। मतलब कि जब आपने किलोमीटर में चेंज करना है बड़े नंबर में, तो बड़ा नंबर न्यूमरेटर में रखिए अंश में, ठीक है। अगर आपने जो वो किलोमीटर में दिया था और मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तब आप जो वो 5 को ऊपर रखिए और 18 को नीचे ले जाइए, बस इतनी सी बात है इसमें। अगर आप इसको जो वो डेसिमल में देखना चाहते हैं कि डेसिमल में हम लोग जो वो कोई एक नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो जो आप यहाँ पे देखते हैं 18 2 होता है 36 5 2 जो होता है 10, तो ये बन जाएगा 36/10, और 36/10 को मैं लिखता हूँ 3.6, तो आप बोल सकते हैं कि 3.6 से हमने जो इसको मल्टीप्लाई करना था, आप ऐसे भी इसको सोच सकते हैं, ठीक है। हमने जो वो सिंपली यहाँ पे 18/5 से इसको काटना था, तो इसको आपने यहाँ पे काट करके आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको काटते हैं जल्दी से। पहले तो यहाँ पे देखिए 18 और 24 जो वो किसके टेबल में आते हैं, 6 के टेबल में दोनों आते हैं, ठीक है। 6 3 होता है 18 एंड 6 4 होता है 24, ठीक है। अब 5 के टेबल में जो वो यहाँ पे 20 आता है, तो 5 से काट दिया मैंने, मतलब 5 4 20 होता है, 0 काट के ऊपर लगा लो। अभी जो 4 है, 4 से जो वो यहाँ पे 40 काट दो, 4 10 होता है 40, ठीक है, तो 10 और 3 बचे, बीच में मल्टीप्लाई है, 10 × 3 30, तो 30 जो इसका सही आंसर हो जाएगा, 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। देखिए अच्छा क्वेश्चन था, वैसे बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो चलिए आज का जो वो वीडियो स्टार्ट करते हैं यहाँ से, आज के क्वेश्चन जो वो यहाँ से स्टार्ट होते हैं। यहाँ पे आज की इंटरेस्टिंग बात ये है कि, अरे कोई इंटरेस्टिंग बात तो है नहीं वैसे, लेकिन फिर भी आप मान लो कि इंटरेस्टिंग बात है कि जैसे यहाँ पे जो वो नंबरिंग नहीं है कि क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, फिर भी हम ढूंढ लेंगे कि नंबर जो वो, मतलब कि क्वेश्चन जो वो कहाँ से स्टार्ट हो, जैसे यहाँ पे लिखा है 60th टर्म, ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, ये इसकी ऑप्शन है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो गया, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन जो वो बहुत सारे हम डिस्कस करने वाले हैं, और आज जो वो हम लोग सभी क्वेश्चन जो वो यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं बिल्कुल, क्योंकि टाइम काफ़ी, देखिए सुबह के टाइम क्या होता है कि टाइम कम होता है, ठीक है, जल्दबाजी में जो वो वीडियो बन जाती है, तो इसलिए जो वो एक आधा क्वेश्चन जो वो गलत हो जाता है कई बार, या जल्दी जल्दी में जो वो सॉल्व जो वो नहीं हो पाता है, ठीक है। इसलिए जो अभी तो वो टाइम है, पूरे डिटेल के साथ देखेंगे सभी क्वेश्चन। यहाँ लिखा है द 60th टर्म ऑफ द सीरीज 3 5 7 9 11 एंड डैश, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा है। देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अगर 3 से पहले अगर इसने कुछ रखना था, तो जो वो यहाँ पे 1 जो वो रख सकता था बड़े आराम से। देखिए 1 या तो 1 होता है या तो 2 होता है, मैं बताऊँगा कि यहाँ पे 2 जो वो क्यों नहीं होता है, 2 होगा तो यहाँ पे फिर 9 नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर 2 होगा तो 2 जो वो एक प्राइम नंबर है, 2 जो वो हमारे पास एक ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन प्राइम नंबर है, जो कि एक सम जो वो अभाज्य संख्या है, ठीक है, 2, क्योंकि यहाँ पे 9 आ चुका है, इसका मतलब कि 2 नहीं होगा, क्योंकि 9 जो वो हमारे पास फिर जो वो एक ऑड नंबर तो आता है लेकिन प्राइम नंबर नहीं, इसका मतलब प्राइम नंबर बिल्कुल भी नहीं चल रहे हैं, क्योंकि बीच में 9 आ चुका है, ठीक है। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं, अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जिनके 2 फैक्टर हो, जिनके सिर्फ 2 गुणनखंड हो, 9 के तो अब 3 भी आ रहा है, इसका मतलब इसके 3 फैक्टर हो गए, ठीक है, इसका मतलब 9 जो वो हमारे पास प्राइम नंबर नहीं है, तो इसका मतलब सीधा सा हुआ कि प्राइम नंबर वाला लॉजिक नहीं चल रहा है यहाँ पे, ठीक है, आप गलती से प्राइम नंबर मत मान लीजिए इनको। 3 के बाद 5 7 9 11, मतलब 2 का डिफरेंस है, इसका मतलब कि पहले जो वो 1 हो सकता है, क्योंकि 1 जो ऑड नंबर है और ये सभी ऑड नंबर चल रहे हैं, तो इसने क्या पूछा है, इसने अगले वाला पूछा होता तो 13 हो जाता बड़े आराम से, लेकिन इसने पूछा है कि 16वां पद क्या है, तो मतलब कि 60th टर्म जो वो इसमें कौन सी आने वाली है, तो चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे लिख लेते हैं।
वैसे इसका आंसर जो वो जल्दी से जो वो मैं बता सकता हूँ कि क्या आंसर आने वाला है, फिर भी जो पहले देखते हैं फिर जो मैं बताऊँगा कि क्या जो इसका आंसर आप जल्दी से बता सकते थे। देखिए 11 के बाद जो वो अगर दो का डिफरेंस डालूँ तो यहाँ पे आ जाएगा 13, फिर आ जाएगा 15, फिर जो मैं काउंट करूँगा 16 तक और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर आ जाएगा 17, फिर आ जाएगा 19, फिर यहाँ पे लिखता हूँ मैं 21, और 21 के बाद 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, मतलब एक छोड़ के दूसरा लिखना है, ये तो ऑड नंबर होते हैं, जो बीच में छोड़ दिया हमने वो जो इवन नंबर हमने छोड़ दिए इसके बीच में, 32, 33 हो जाएगा, फिर 34, 35 हो जाएगा, और आगे भी लिख देते हैं 36, 37 हो जाएगा, 38, 39 हो जाएगा, मेरे ख्याल से ऑप्शन जो वो 41 तक है तो 41 तक हम लोग जो लिख लेंगे यहाँ पे, तो 41 हमने लिख लिया, इनमें से एक कोई एक होगा। 60 टर्म पूछा है तो एक ये भी जो पहले हैं वो भी काउंट करने हैं, ठीक है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 33, तो 33 जो वो इसका सही आंसर हो जाएगा। अब मैंने बोला था कि आप जो वो इसका आंसर जो वो एकदम से ले सकते हैं, क्यों? देखिए 60th पूछा है क्योंकि आपको बताया कि ऑड नंबर चल रहे हैं और इसने एक ऑड नंबर जो वो छोड़ दिया है, तो 16 टू जो होता है 32 वैसे, ठीक है, लेकिन इसने एक छोड़ दिया तो आप जो वो पीछे जाइए, सॉरी इसने जो देखिए देखिए फिर से सुनिए क्या बोल रहा हूँ मैं, देखिए 60th टर्म पूछा है तो आपका जो जैसे 60th पूछा है तो 16 टू जा होता है 32, मतलब कि अगर मैं इवन नंबर देखूं तो 32 जो वो यहाँ पे आएगा, ठीक है, अगर मैं ऑड नंबर देखूं तो 33 आएगा, ठीक है। अब जो वो यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूं तो ऑड नंबर जो वो हमारा 60th टू जा, मतलब कि एक छोड़ रहा है, एक छोड़ रहा है तो आगे जाना चाहिए, मतलब कि 35 आना चाहिए, क्योंकि इसने एक छोड़ दिया तो पीछे जाइए फिर, ठीक है, क्योंकि इसने वन छोड़ दिया है, फिर जो हमने एक काटना पड़ेगा, वैसे 35 आना चाहिए, फिर एक काटना पड़ेगा हमें, फिर पीछे चलना पड़ेगा क्योंकि वन जो वो यहाँ पे नहीं लिखा है, तो 33 इज द आंसर, ठीक है। तो वैसे आप जल्दीबाजी में तो नहीं करना है, लेकिन पूरा डिटेल में समझिए कि इस टाइप का जो लेवल रहता है बिल्कुल क्लर्क के एग्ज़ाम में, या जैसे छोटे लेवल के जो एग्ज़ाम होते हैं, जैसे कोई लोकल एग्ज़ाम हो गया हिमाचल प्रदेश का, जैसे कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम हो गया, ठीक है, तो इसमें जो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं बिल्कुल ईजी से, देखिए टाइम तो उनमें लगता है लेकिन हो जाते हैं सॉल्व, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ द इंग्लिश अल्फाबेट इज रिटन इन रिवर्स ऑर्डर, तो रिवर्स ऑर्डर में अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, ए बी सी अगर का आपको जो नंबर उनका पता है रिवर्स में पता है तब तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो इसने पूछा है कि रिवर्स से 40th लेटर जो वो लेफ्ट साइड से, ठीक है, तो यहाँ पे जो अच्छा फिर से पढ़ते हैं क्या लिखा है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा तो निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर बाएँ से, ठीक है, बाएँ से 14वां होगा। अब देखिए हमारा जो ए है मेरा राइट हैंड और इस साइड है मेरा लेफ्ट हैंड, ठीक है। अब इसने बोला कि बाएँ होता है हमारा लेफ्ट, ठीक है, तो लेफ्ट है ए वाला, तो यहाँ से चलना है आपने यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से चलना है। अब आप ऐसे मत सोचिए कि आपने जो लिख लिया रिवर्स ऑर्डर में फिर जो आप उल्टे चल रहे हैं तो फिर बात एक ही होगी, बात वही होगी फिर, ठीक है। इसने बोला है कि आपने जो बिल्कुल सीधे चलना है, मतलब कि आपने जो वो बाएँ से चलना है, जो कि लेफ्ट टू राइट चलना है जैसे लिखा है वैसे ही आपने चलना है, और 40th अक्षर क्या होगा, तो मैं क्या करता हूँ, मैं जो वो यहाँ पे थोड़ी सी चालाकी करता हूँ, मैं जो वो क्या करता हूँ उल्टा नहीं लिखूंगा, मैं क्या करता हूँ यहाँ से जो ऐसे लिख देता हूँ ए बी, आप समझ लीजिए कि मैं जो उल्टा चल रहा हूँ, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी, फिर मैं यहाँ पे क्यू आर एस पी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ये लिख दिया मैंने, ठीक है, मतलब मैं यहाँ से चल रहा हूँ, यहाँ से चला मैं, देखिए जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी, ठीक है, ऐसे चला। 26 है तो लिखने में ज़्यादा कोई टाइम नहीं लगने वाला है, अगर आपको जो वो नंबरिंग पता है इनकी पहले से ही ऐसे अच्छी सीक्वेंस में ए बी सी क्या नंबर है, ए बी सी 1, 2, 3, ठीक है, एक्स वाई जेड जो 24, 25, 26 ऐसे अगर आपको पहले से पता है तब तो वो अच्छी वो बात है। अब इसने बोला 40th लेटर यहाँ से चलना है, 40th कौन सा होगा, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एम, तो एम जो वो यहाँ पे है नहीं तो उसका मतलब नन ऑफ दिस जो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी वैसे अच्छा क्वेश्चन था, मतलब नन ऑफ दिस भी जो वो ऑप्शन में रहता है तो इसका आपने ध्यान रखना है कि नन ऑफ दिस दिया है तो वो हो भी सकता है, ठीक है, मतलब ऐसे ही नहीं दिया होता है, अगर दिया है तो होगा, मतलब होने की इसकी जो वो 1/4 फिर से प्रोबेबिलिटी है। ये क्या लिखा है, कैन ए कैन, यस ए कैन रन 100 मीटर इन 27 सेकेंड और बी जो वो 30 सेकेंड बी इन, अच्छा 100 मीटर की जो वो रेस है, फिर से हिंदी में पढ़ते हैं ज़रा क्या लिखा है, ए जो वो 100 मीटर दौड़ सकता है, जैसे रेस नहीं है, 100 मीटर दौड़ सकता है 27 सेकंड में और बी जो वो उसको 30 सेकंड में, मतलब कि बी जो वो थोड़ा स्लो चल रहा है। इसने बोला कि ए ने बी को पराजित, अब ए जो वो जल्दी फास्ट चल रहा है तो ए ने बी को हरा दिया होगा। अभी पूछा है कि कितने से हराया होगा, 10 मीटर से, 9 मीटर से, कि 11 and 1/8 मीटर से, ठीक है, या 12 मीटर से। ये वैसे अच्छा क्वेश्चन है, देखिए क्या करना था आपने, आपने जो वो मतलब कि ये कितने मीटर से हराएगा ये निकालना था, बड़े नाम से निकल सकता था। देखिए 100 आपने जो यहाँ पे निकालना है कि इसकी जो स्पीड है वो क्या है,
ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो वो देखिए ये जो वो 100 मीटर में से पूछा है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे जो वो 27 सेकंड और एक ही है 30, ठीक है, मतलब कि कितना कम है 100 में से, ये जो वो यहाँ से निकल जाएगा। तो एक जीरो से मैंने एक जीरो काट दी और थ्री से जो वो 27 थ्री नाइन जो होता है, ठीक है, नाइन यस 10 और 9 बचे, 10 9 जो होता है 90, ठीक है, सीधा सा आंसर आ गया 90, मतलब कि 100 में से कितना कम है 90, तो 10 मीटर कम है। तो ये तो चलो सिंपल सा क्वेश्चन था कि कितना मीटर से जो वो उसने पराजित किया, तो 10 मीटर से ये पराजित इसको कर लेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे ख्याल से हमने कर लिया है अभी, और इसका जो आंसर था वो हो जाएगा 33, ठीक है, क्योंकि ये जो वो प्राइम नंबर नहीं, ये जो वो और नंबर चल रहे थे वो 19 ने छोड़ दिया, तो 33 था आंसर, ठीक है। देखिए ये जो जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे आ रहे हैं वो जो वो पहले जो वो मैंने बिल्कुल भी नहीं जो वो सॉल्व किए होते हैं, तभी जो वो कई बार जो बीच में ऐसा होता है कि कोई क्वेश्चन जो वो जल्दी जल्दी में जो गड़बड़ हो जाती है, ठीक है, क्योंकि देखिए यूपीएससी का जो लेवल रहता है उसमें जो वो आपको जैसे मैंने जो कई सारे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन वो डिस्कस किए हुए हैं इस चैनल पर एनसीईआरटी क्लासेस 2.1 पर, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो उसमें जो वो यूपीएससी का कोई रीजनिंग का क्वेश्चन होगा तो वो जो पहले देखना पड़ता है, ठीक है, पूरा सॉल्व करना पड़ता है, क्योंकि उसमें जो डाउट रहता है, ठीक है, ऑप्शन भी जो नज़दीक नज़दीक रहते हैं, ठीक है, कई बार लगता है कि ये भी उसका है, ये भी उसका है, ये भी उसका है, ठीक है, लेकिन इसमें जो कोई डाउट नहीं है, इसमें जो वो जो भी सॉल्व करके निकलेगा, जो भी पैटर्न होगा वो जो वो बिल्कुल सही होगा, वो जो वो मतलब इसमें जो वो मैं पहले बिल्कुल भी कैलकुलेशन नहीं करता हूँ, आपके सामने ही जो वो कैलकुलेशन करता हूँ ताकि आपको भी बड़े अच्छे से जो क्लियर हो जाए। नेक्स्ट जो वो सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है, 6 लिखा है, 17 लिखा है, 39 लिखा है, 72 लिखा है। अब देखिए मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है कि क्या आंसर होने वाला है, 6 के बाद 17 आया होगा, तो जरा सोचिए कि कैसे आया होगा। देखिए डिफरेंस चेक करते हैं पहले, तो ठीक है, क्योंकि पहला जो वो यही रहता है कि डिफरेंस चेक करिए, ठीक है, अगर ज़्यादा बड़ा नंबर है तो मल्टीप्लाई में चेक करिए। मैं पहले जो वो डिफरेंस चेक करना चाहूँगा, क्योंकि ज़्यादा बड़ा भी नंबर नहीं है, वैसे ये बड़े बड़े आ रहे हैं, 17 2 जो 34 हो रहा है, फिर आगे प्लस हुआ होगा कुछ, 39 2 जो वो ठीक है कुछ ना कुछ हुआ होगा, तो फिर जो वो 72 आ रहा है, तो देखते हैं जरा क्या हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो वो 6 और 17 के बीच में, चलिए यही लॉजिक जो वो लगाते हैं जरा के क्या काम करेगा, 6 2 से मल्टीप्लाई हुआ, 6 2 जो 12 13 14 15 16 17 5 प्लस हो रहा है, ठीक है, तो 17 2 जो होता है 34 35 36 37 और 39 4 प्लस हो रहा है, मतलब ये घटता जा रहा है, ठीक है, मतलब यहाँ पे 5 प्लस हुआ, देखिए 2 से तो मल्टीप्लाई हुआ होगा हर कोई, ठीक है, फिर जो वो पहले 5 प्लस हुआ फिर 4 प्लस हुआ, ठीक है, मेरे ख्याल से लॉजिक काम कर रहा है। 39 2 जा कितना होता है, देखिए 42 जो होता है 80 और 39 2 जा हो जाएगा 78 मेरे ख्याल से, ठीक है, 78 होगा क्या, 39 ठीक है, 9 और 9 होगा 18 1 78 ही हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो 72 लिखा है इसका मतलब लॉजिक जो वो गड़बड़ हो गया, और यहाँ पे जो वो 4 प्लस हो रहा था, यहाँ पे जो वो मेरे ख्याल से कितना माइनस हो गया, 6 माइनस हो गया, ठीक है, 6 माइनस हो गया, इसका मतलब ये जो लॉजिक हमारा काम नहीं किया, ठीक है। अगर हम जो वो 72 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 72 2 हो गया 4 एंड 77 हो गया 14, तो 144 आ रहा है, और 144 के नज़दीक जो वो मेरे ख्याल से यहाँ पे 116 है, तो कुछ और जो वो लॉजिक यहाँ पे लगाना पड़ेगा तभी जो वो इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। डिफरेंस चेक करते हैं जरा पहले, 6 और 17 माइनस 6 1 और यहाँ पे आ गया 1, 11 का डिफरेंस है, ठीक है, 11 का डिफरेंस है, फिर 17 और 39 में कितने का डिफरेंस आ गया, 39 17 और यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे आ गया 2, 22 का डिफरेंस है मेरे ख्याल से यहाँ पे काम कर रहा है, क्योंकि 11 2 जो 22 होता है, डिफरेंस में जो वो यहाँ पे लॉजिक काम कर रहा है, 39 72 तो 72 39 यहाँ पे मेरे ख्याल से जो फिर कितना आना चाहिए, 11 3 जो होता है 33 आना चाहिए फिर, और 72 39 ठीक है, तो 12 यहाँ से बोरो जो वो यहाँ पे लेनी पड़ी, 12 में से 9 10 11 12 3 यस, मतलब कि लॉजिक जो वो यहाँ पे बिल्कुल काम कर चुका है, तो यहाँ पे 6 बचा है 33 आ रहा है, तो आगे जो वो डिफरेंस क्या होगा आपको पता होगा, 33 तो 11 4 जा 44 जो वो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो 72 प्लस 44 तो 7 और 2 कितना होता है, 6 होता है, 6 एक में है, 1 डिजिट में, आप वो जल्दी से इसको बिना कैलकुलेशन किए कर सकते थे, क्योंकि 7 और 4 11 होता है, तो 116 इज द आंसर। वैसे भी हमने जो दूसरे वाला लॉजिक लगाया था वो भी देखिए इसके नज़दीक ही आ रहा है, तो अगर मैं वो भी करता तो भी हमारा आंसर ठीक होता, ठीक है। कसम से भाई मुझे जो वो बिल्कुल पहले से बिल्कुल भी नहीं पता था, ठीक है, कि 116 जो इसका आंसर आने वाला है, फिर भी देखिए हमने जो वो दोनों तरीकों से जो बिल्कुल सही किया, लेकिन दूसरे वाला तरीका बिल्कुल सही था, लेकिन पहले वाला लॉजिक जो हमने गलत लगाया, लेकिन फिर भी जो वो तुक्का लगा करके इसको मतलब तुक्का लगाता तो भी ठीक हो जाता। नेक्स्ट होते हैं, नेक्स्ट लिखा है कि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में, अच्छा ए भी हमने कर लिया है, ठीक है, ए भी हमने अभी कर लिया। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ मैनी मीनिंगफुल वर्ड, तो मीनिंगफुल वर्ड जो वो किससे बनाना है, यहाँ पे जेंटलमैन से बनाना है, ठीक है, विदाउट चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ लेटर, तो ऑर्डर जो वो आपने चेंज नहीं करना है, तो इससे जो वो क्या बनाया जा सकता है, एक तो एम ई एन मैन बन गया, ठीक है, इसको निकाल दें, एक जेंटल जो वो बन गया, ठीक है, और जो वो क्या क्या बन सकता है, जी टी ई जी एन एल ई
ठीक है। तो इसमें देखिए दो तो जो वो दिखाई दे रहे हैं कि एक तो वो जेंटल को अलग कर दिया, एक बन गया एक MEN। देखिए MEN मैन होता है, जैसे हम नंबर चेंज करते हैं MEN मैन, मैन हो गया एक आदमी, ठीक है। तो MEN मैन, ठीक है, जोर से पढ़ेंगे इसको, थोड़ा सा जोर लगा करके मैन। तो ये बन गया हमारा, मतलब कि बहुत सारे आदमी हो गए तो उसको MEN बोलेंगे, मैन। तो दो तो हमें हमने बना लिए, एक तो वो और काट करके अगर इसका बना सकते, एल लेमन बन रहा है, एल ई, अच्छा वो तो स्पेलिंग एल ई एम ओ एन होती है, लेमन जो नींबू होता है, तो यहाँ पे ओ तो बीच में है नहीं, तो लेमन बना देते, ठीक है। तो इसका जो वो, देखिए इसमें जो बहुत सारी पॉसिबिलिटी होती है, थोड़ा सा टाइम लगने वाला है, लेकिन दो जो वो अगर मैं जल्दी से बताऊँ तो दो जो वो मेरा बन रहा है, एक आधा और होता है, लेकिन अभी जो वो थोड़ा सा दिमाग जो वो काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो दो पर जो वो टिक करते हैं, बाकी जो वो इसको अगर आपको जो वो कुछ और लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए इस क्वेश्चन को आपके लिए छोड़ता हूँ, अगर आप जो वो कमेंट बॉक्स में बताते हैं कि एक और बन रहा है तो जो वो तीन सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आप दो जो वो बना सकते हैं तो फोर भी हो सकते हैं, और मेरे ख्याल से फोर में ऑप्शन में है नहीं, तो दो दिखाई दे रहे हैं, अगर एक आपको और मिलता है तो तीन इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपके लिए ये क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट लिखा है कि विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, मतलब कि इनमें से कौन सा जो आपको अलग सा लग रहा है, तो इसमें पैटर्न ढूंढना पड़ेगा, पी क्यू आर एस, ठीक है। देखिए पी क्यू आर एस टी, इसने लिखा पी, इसने लिखा आर और इसने लिखा एस, एक एक बीच में छोड़ा है, ठीक है। तो आपको जो पैटर्न समझ आ गया होगा, क्यू क्यू के बाद कहता है क्यू पी ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर, पी क्यू आर एस टी यू वी, मतलब कि क्यू के बाद अगर आना था यहाँ पे तो ऐसा आना चाहिए था, फिर जो वो यू आना चाहिए था, जबकि ये जो वो बिल्कुल अलग सा लग रहा है, पर क्या पता अभी जो वो इसमें पैटर्न ढूंढा है, तो इसमें और इसमें भी यही जो वो पैटर्न होना चाहिए, तो अभी जो वो हमारा भी आंसर जो वो सही हो जाएगा। चलिए इसको देखते हैं, सी डी ई एफ जी, ठीक है। तो डी और एफ इसने छोड़ दिए, सी ई और जी जो वो लिखा है, मतलब जो वो हमारा लॉजिक जो बिल्कुल काम कर रहा है, ये जो बी वाला है जो वो बिल्कुल ऑड सा लग रहा है, ठीक है। यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, ठीक है। तो वी और इसने एक्स छोड़ दिए, बाकी वो एक छोड़ के दूसरा लिख रहा है, ठीक है। तो इसमें जो कोई ऐसा लॉजिक नहीं कर रहा है, इसमें आपने पैटर्न ढूंढना होता है कि आपने जो वो, मतलब तीन जो वो एक जैसे होंगे, तीन में एक जैसा पैटर्न लगा हुआ और एक में जो वो थोड़ा अलग ही लिखा हुआ। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट लिखा है एस नेक्ड, नेक्ड होता है जो नंगा, ठीक है, हाँ नंगा, रिलेटेड टू क्लॉथ्स इन द सेम वे थर्स्टी इज रिलेटेड टू, तो ये तो आपको ऐसे ही पता चला है कि जो नंगा होता है वो जब वो बस्तर क्लॉथ से रिलेटेड है, तो थर्स्टी मतलब प्यासा होता है, उसको क्या चाहिए, ठीक है। नंगा होता है तो, नंगा है तो उसको कपड़े चाहिए, प्यासा है तो उसको पानी चाहिए, ठीक है, ऐसे आप इसको समझते हैं, वाटर, तो वाटर इज द आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, इन अ कोड बॉक्सर इज रिटन एज ए क्यू डब्ल्यू जी क्यू देन विजिट इन द सेम वे, मतलब कि सेम ऑर्डर लिखा हुआ है यहाँ पे, शायद इस प्रिंट हो गया थोड़ा सा, सेम ऑर्डर में लिखा हुआ, मतलब ऐसे ही जो वो सेम वे में या सेम वे हो सकता है, सेम ऑर्डर इज रिटन एज, तो जैसे ए इससे जो वो इसका पैटर्न ढूंढना है कि इससे ए कैसे आया होगा, फिर जो विजिट को हम लोग वैसे ही चेंज करेंगे। तो इसमें ढूंढते हैं, बी के बाद ए आया, मतलब कि पीछे जा रहा है, ठीक है, और ओ के बाद डब्ल्यू आ रहा है, ठीक है, ओ पी क्यू आर एस, ठीक है, डब्ल्यू ओ डब्ल्यू के डब्ल्यू, अच्छा सॉरी क्यू है यहाँ पे, ठीक है, मैं डब्ल्यू पे चला गया सीधा ही, ओ और क्यू में लिखी क्या है लॉजिक। तो इसमें मेरे ख्याल से जो वो क्या हो रहा है कि वी पहले में क्या हो रहा है कि वी माइनस एक हो गया, ठीक है, माइनस एक मतलब कि पीछे चला गया, ठीक है, माइनस एक मैंने लिख दिया, बाकी ओ के बाद जो वो यहाँ पे क्यू आ रहा है, ठीक है, ओ पी क्यू, ये जो प्लस टू हो रहा है, ठीक है, एक्स के बाद जो वो यहाँ पे डब्ल्यू आ रहा है, डब्ल्यू एक्स वाई जेड, मतलब कि माइनस एक हो गया, ठीक है, एक माइनस एक हो रहा है, एक प्लस टू हो रहा है, मेरे ख्याल से यही लॉजिक चल रहा है। ई के बाद जो वो यहाँ पे जी आ रहा है, ठीक है, ई एफ जी मतलब कि प्लस टू, ठीक है, और यहाँ पे जो वो फिर मेरे ख्याल से लास्ट में जो वो माइनस होना चाहिए, तो क्यू के बाद आर आ रहा है, मतलब यही लॉजिक काम कर रहा है यहाँ पे, पहले जो वो क्या हो रहा है माइनस वन फिर प्लस टू, माइनस वन प्लस टू ए चल रहा है, तो वी से माइनस वन करेंगे तो यू आ जाएगा, ठीक है, मतलब कि इन दोनों में से कोई एक होगा, बाकी ये तो हमारे एलिमिनेट हो गए, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड जो वो यहाँ पे काम करेगा। देखिए दो जो वो एकदम से जो वो हमने काट दिए, तो वी यू, ठीक है, क्योंकि जो वो पहले क्या हो रहा है माइनस एक हो रहा है, फिर प्लस टू होगा, प्लस टू मतलब आई जे के होगा, तो के तो दोनों में है, अभी तो चल रहे हैं दोनों, एस में जो माइनस एक हो जाएगा, आर एस दोनों में है, आर आर, ठीक है, मतलब ये भी काम नहीं किया, फिर जो प्लस टू हो जाएगा आई के बाद, आई के बाद आता है आई जे के, ठीक है, तो के भी दोनों में है, मतलब कि लास्ट में ही आपका सही आंसर निकलता, टी एस टी, हाँ एस के बाद टी आता है तो माइनस वन होना था, माइनस वन मतलब कि टी में से एक माइनस किया, मतलब कि एस के बाद टी आता है, टी में से एक माइनस किया, तो ऐसा आ जाएगा, ठीक है, तो यू के आर के एस सी इज द राइट आंसर। देखिए पैटर्न समझिए, तो आप जो वो मतलब कि एक लेवल समझिए कि कैसा लेवल रहता है इसमें, मतलब हर कोई जो इसको बड़े आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट लिखा है,
नेक्स्ट जो वो यहाँ पे लिखा है कि ऑल नंबर 1 to 21 विच डिविजिबल बाई 2 और सिक्स प्लेस पूछा है राइट साइड से, ठीक है। देखिए मैथ्स वाले जो हैं वो उनको जो ऐसे क्वेश्चन बड़े इंटरेस्टिंग लगते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं, मतलब उसको जो बड़े आराम से कई सारे तरीके से जो कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे 2 से विभाज्य लिखा, मतलब कि 2 से जाना चाहिए, 2 से डिवाइड होना चाहिए, रिमाइंडर 0 आना चाहिए, इसका मतलब सीधा सही है। तो 2 से जो डिवाइड हो जाता है वो जो कौन से नंबर होते हैं, वो जो इवन नंबर होते हैं, सम संख्या होती है। इसने बोला 21 तक 1 से, तो इससे पीछे वाला जो क्या होगा, मैं जो सीधा आंसर निकाल देता 20 होगा, फिर जो 18 होगा, फिर जो 16 होगा, ठीक है। और ये जो इवन नंबर चल रहे हैं जो 2 से डिविजिबल होगा, फिर जो 14 होगा, फिर जो 12 होगा, फिर जो 10 हो जाएगा, ठीक है। और सिक्स पूछा है राइट साइड से, तो यही राइट साइड है, क्योंकि इसने पूछा है कि कैसे लिखना है इसको, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया। लेकिन राइट साइड से अगर देखेंगे तो सिक्स नंबर पे 1 2 3 4 5 6 10 इज द राइट आंसर। 10 कहाँ पे है, 10 जो वो ए में है, ठीक है। अगर आप जो इसको ऐसे देखते हैं कि जैसे 2 है, ठीक है, 1 तो नहीं होगा क्योंकि 1 जो वो एक हमारा ऑड नंबर है, ठीक है। 2 के बाद 4, फिर जो 6, ऐसे लिखते लिखते जो 20 तक जाएंगे, तो देखना तो आपने राइट साइड से ही था, ठीक है। तो मैंने राइट साइड से लिख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे मदर मदर ऑफ क्यू इज ए सिस्टर ऑफ पी डॉटर ऑफ, आगे लिखा हुआ, अच्छा आगे कुछ है नहीं, चलिए इसको यहीं पे देख लेते हैं क्या लिखा है। मदर ऑफ क्यू इज सिस्टर ऑफ पी, जो क्यू की मदर है वो जो वो पी की सिस्टर है, ठीक है जी। एंड डॉटर ऑफ एम, अच्छा क्यू मदर ऑफ क्यू, क्यू की जो मदर है वो सिस्टर पी की सिस्टर है, और डॉटर है किसकी, एम की, ठीक है। और एस इज द डॉटर ऑफ पी एंड सिस्टर ऑफ टी, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ एम विद टी। मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन को मैं अभी जो स्किप कर रहा हूँ, मेरे ख्याल से इसका आंसर जो वो कुछ और ही लग रहा है मुझे, मदर और सन फादर जो वो नहीं लग रहा है, नन ऑफ दिस जो वो इसका आंसर हो सकता है। इस क्वेश्चन को जो हम लोग बाद में जो नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि जो वो टाइम काफ़ी हो चुका है, 25 मिनट से ज़्यादा अगर वीडियो बनती है तो प्रॉब्लम आ जाती है बीच में इसको, ठीक है। तो ओके, थैंक यू, बताइए आपको वीडियो कैसी लगी, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।